सो ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेवर बाय डीप ओटीएम ऑप्शंस। डीप ओटीएम ऑप्शंस आपको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। ज्यादा दूर का ऑप्शंस आपको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए इसका हम लोग एग्जांपल समझेंगे। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेली चार्ट है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइस अभी चल रहा है 602 के आसपास। ज्यादातर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, 600 के आसपास प्राइस चल रहा है और वो जाके यहाँ पर 500 का पुट ऑप्शन बाइंग करते हैं या फिर 520 का पुट ऑप्शन बाइंग करते हैं, जो कि करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स दूर है। SBI अगर 70-80 रुपए गिरेगा तब जाके ये पुट में प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस में जो भी आप प्रीमियम पे करते हो वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपायरी के नजदीक जाते हैं ये पुट ऑप्शन जीरो हो जाते हैं। तो अगर प्राइसेस में फॉल भी आया और हम लोग एक्सपायरी डे के नजदीक है तो ये पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, बढ़ने के बजाय गिरेगा बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू। तो आपको इतना दूर का पुट ऑप्शन कभी बाइंग नहीं करना चाहिए। जहां तक पॉसिबल है आपको करंट मार्केट के आसपास के स्ट्राइक प्राइस ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहिए। एट द मनी ऑप्शंस के क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड लेना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे 590 का पुट ऑप्शन बाय करते हो और 70-80 रुपए का फॉल आता है SBI में या फिर 40-50 रुपए का भी फॉल आता है SBI में, तो ये पुट ऑप्शन में आपको काफी अच्छा पैसा बन सकता है। तो आपको एट द मनी करंट मार्केट प्राइस के आसपास के पुट ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहिए। इतने दूर के स्ट्राइक प्राइस में आपको ट्रेड कभी नहीं लेना चाहिए। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है। नेवर बाय डीप ओटीएम कॉल और पुट ऑप्शन।